जो चेहरे पर थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। आपको ये पैक इतना ज्यादा पसंद आने वाला है, जब आप इस पैक को यूज करेंगे तो आपको सभी पूछेंगे आज चेहरे पे फिर रौनक कैसे है, आज चेहरा ग्लो कैसे कर रहा है। तो यही तो हमें चाहिए। चलिए देर न करते हुए इस पैक को बना लेते हैं और आपके चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। और चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। पहला इंग्रेडिएंट लेते हैं पपीता। अब आपको लगेगा कि पपाया ही क्यों, खाने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, हमें हमेशा डाइट में पपीते को यूज करना चाहिए। पर पता है आपको स्किन में बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। पपीते के अंदर पपायन नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमारी स्किन पर जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है, तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। पपाया में विटामिन ई और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो चेहरे को अंदर से एक्सफोलिएट करता है और चेहरे पर ग्लो देता है। यहाँ दो पीस मैंने पपाया के ले लिए हैं। अब ये पपाया अगर आपका बहुत ज्यादा राइप मतलब बहुत ज्यादा गल जाता है उसको भी आप यूज कर सकते हो, जो हमें खाने में अच्छा नहीं लगता उसे आप पैक बनाने में यूज कर सकते हो। अगर आपका पपीता बहुत ज्यादा गला हुआ है तो उसे बस फोक से मैश कर लीजिए और छन्नी से छान लीजिए। पर क्योंकि ये पपीता जो है बहुत ज्यादा गला हुआ नहीं है तो मैंने इसके दो पीस जो लिए हैं इसके ऊपर का पार्ट भी मैंने ले ही लिया है। अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके ग्राइंड कर लेती हूँ। डालने में आप चाहें तो दूध या पानी डाल सकते हैं, पर मैंने कुछ नहीं डाला। अभी भी मुझे इसके छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं तो मैं इसे एक बार छन्नी में छान लेती हूँ। जितना ये स्मूथ ये हमारा पेस्ट बनेगा उतना ही हम चेहरे पर इसे अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना तो टोटल फ्री है। अब ये पेस्ट तो बन गया, अब हम दूसरा इंग्रेडिएंट लेंगे, वो है शहद। एक चम्मच भर के शहद हम इसे इसमें मिला देंगे। ये हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करेगा, चमक देगा। सालों से ही चेहरे पर शहद का इस्तेमाल किया जाता है। शहद में पाए जाने वाले विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड नेचुरल तरीके से चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स को हील करता है। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है लेमन का जूस, नींबू का रस। करीब आधा नींबू आप निचोड़ दीजिए और इसमें इसको पैक में मिक्स कर दीजिए। नींबू के रस से त्वचा में कोलेजन बढ़ता है, चेहरे की झुर्रियों को कम करने में ये मदद करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो होती है एक्सेस ऑयल को निकाल देती है, चेहरे में खिंचाव देती है जिससे चेहरा जवां लगने लगता है। मिनरल्स से भरपूर यह मिट्टी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद और सेफ मानी जाती है, इससे चेहरा चिकना और मुलायम सा हो जाता है। अब आपने ये पैक तो बना लिया बच्चों, अब आपको इसे यूज कैसे करना है, हफ्ते में एक बार जरूर यूज कीजिए, चाहे आपको जाना हो या ना। आपका बहुत सारे फेशियल के पैसे बचेंगे क्योंकि ऐसा फेस ग्लो करेगा जैसे कि आप फेशियल करा कर आए हैं। एक और बात, इसे जब लगाएं तब बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, 10 मिनट आप वेट करें, उसके बाद जैसे ही ये सूख जाएगा आप अपने कामों में लग जाएं, क्योंकि इसे कम से कम हमें यूज करना है 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद आप हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को वॉश कीजिए, फिर अपने आप इस रिजल्ट को देखें। और हाँ, कांच में चेहरा देखना बिल्कुल ना भूलें, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हुई समझो। ये पैक आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को।